द्रौपदी मुर्मू ने ली देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। महामहिम के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। मुर्मू ने देशवासियों का जताया आभार। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे पार्थ चटर्जी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर है पार्थ। करीबी अर्पिता की आज भी कोर्ट में पेशी। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंप एक्टिव। जैश के कैंप में करीब 200 आतंकी ले रहे हैं ट्रेनिंग। मुफ्ती असगर के हाथ टेरर कैंप की कमान। आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश। मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी गोल्डी बराड की ने की एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों की तारीफ। फेसबुक पर मारे गए आरोपियों के परिवार की मदद का किया ऐलान। शिवसेना के पार्टी सिंबल मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट। विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसले से पहले चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग। शिंदे ग्रुप ने ईसी से में किया है सिंबल का दावा। यूपी के बाराबंकी में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई गाड़ियों की भिड़ंत। सीएम योगी ने जताया शोक। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को जान से मारने की धमकी। मुंबई के सांता क्रूज थाने में शिकायत दर्ज। पुलिस का आरोपी के पहचान का दावा। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालात खराब। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त।